सामने कौन बैठ के बैंड मिलाता है उसे बताओ जरा, और कैसे आप उसे अपने बैंड मिलाते हो, आपको उसे मिलाने चाहिए ना अपने बैंड, इतना अच्छा होता है वो आशीर्वाद देगा ना। सुनेगा महाराज, क्योंकि समय भले हो गया, बहुत ज्यादा समय हो रहा है, पर भगवान सुदर्मा क्षमा बैठा था, भगवान आनंद में झूम रहा था, आज माधव का मुख मुस्कुरा रहा है। समस्त रानी आई, रानियों ने आज कन्हैया से कहा, माधव मुस्कुरा क्यों रहे हो? माधव ने कहा, देवियों जो मैं अब करने वाला हूँ वो आज तक किसी ने कोई कभी कभी करा नहीं होगा। yes. रानियों ने कहा, क्या करने वाले हो? कन्हैया ने कहा, मैं वो करूंगा जब कलयुग आएगा तो प्रत्येक जगह जहाँ धर्म की चर्चा होगी वहां कृष्ण का धर्म के रूप में चर्चा होगी। yes. आज रानिया कुछ समझ ही नहीं, और रानियों के साथ भगवान उसी सुदर्मा सभा में बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं। शायद मेरे कन्हैया का ये अंतिम दिन का नृत्य था। आज मेरा 122 वर्ष का कन्हैया अंतिम दिन अपने सुदर्मा सभा में नाचा, अपने रानियों के साथ नाचा, पुत्रों के साथ नाचा, परिकर के साथ नाचा। और आपसे भी यही निवेदन है, क्योंकि कल कथा की पूर्णता है, हा? कल भगवान की कथा का, भगवान की कथा भले पूर्ण कभी होती नहीं, मगर भागवत के अनुसार सप्तम दिवस की कथा पूर्ण होगी। इसीलिए जो जो कन्हैया से अपना मन लगाना चाहता है, या कन्हैया को बार बार यही कहना चाहता है, कन्हैया तेरा मन मेरा मन लगे तो तेरे में, और तेरा अगर प्रसाद मिले तो मुझे मिले। yes. अगर मोहन रूपी प्रसाद आप चखना चाहते हो ना, भगवान का प्रसाद खाना चाहते हो ना, तो एक बार यही कहो मन से, है कन्हैया है मोहन, मेरा दिल सदैव तुझ पर लगता रहे। तो कैसे लगेगा मोहन से दिल? बैठ के लगेगा? लगेगा नहीं? लगेगा ना। अगर किसी को बुलाना है तो कैसा बुलाओगे? हाथ से बुलाओगे? आज कुछ नहीं कह रहे, आज बड़े कड़वा कड़वा प्रवचन आए ना। I'm gonna make you mine।
कि जब देव राजेंद्र के उन मेघों के उन बादलों के पास जल नहीं था, उन्होंने इंद्र को मना कर दिया, वो कुछ है नहीं। गुप्तचर इंद्र कहते हैं गुप्तचरों को जाकर के देखो, अब तो सारा ब्रजमंडल तहस नहस हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। गुप्तचर आए देखते हैं महाराज, वहां तो महाराज धूल उड़ रही है। इंद्र को कहा महाराज वहां कुछ बिगड़ा नहीं, वहां तो सब कुछ यथावत चल रहा है। देवराज इंद्र ने ध्यान लगा करके देखा, जिसे मैं सिर्फ नंद का लाला समझ रहा था, वो नंद का लाला साक्षात परमात्मा है। वो साक्षात जगत का आधार है, जगत का मालिक है, 14 लोक खंडों का अधिपति है, स्वयं बनाने वाला और स्वयं खत्म करने वाला भी वो नारायण है, जो सर्जन भी करता है और खत्म भी करता है। उसी समय देवराज इंद्र हाथ जोड़ करके महाराज गोवर्धन पर पहुंचा, हाथ जोड़ के खूब निवेदन करा, है महाराज
आपने मेरा घमंड तोड़ के बड़ा अच्छा काम करा, मेरा 7 वर्ष का कन्हैया बोला है देवराज इंद्र, मैं उसी इंसान का घमंड तोड़ता हूँ जो मेरा सबसे प्रिय होता है, जिससे मैं प्रेम करता हूँ। इंद्र ने कहा प्रभु कैसा कैसा घमंड तोड़ते हो आप बताओ। कन्हैया बोला मैं 3 स्टेप धारण करता हूं, जो मेरा बहुत प्रेमी होता है, बहुत अच्छा होता है, उसका मैं सबसे पहले गर्व मालूम कैसे तोड़ता हूं। भगवान बोले इंद्र को, उसका गर्व मैं ऐसा तोड़ता हूं सबसे पहले खिलाएगा, लेकिन एक बार आज खिला दो ना।